हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम यहाँ पे शेयर करेंगे मैंगो डिजर्ट केक की रेसिपी, बिना ओवन के, बिना कढ़ाई के और बिना कोई झंझट के। इस तरीके की रेसिपी जो झटपट में बन जाने वाली रेसिपी है, और वैसे भी मैंगो का मौसम है फ्रेंड्स, तो इस तरीके की रेसिपी एक बार ज़रूर बनाएं। तो चलिए, हम मैंगो डिजर्ट केक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हनीवेल की केक ले लिए हैं, 5 से 6 हमने यहाँ पे केक ले लिए हैं। और इसी के साथ सारे केक को अब हम पॉलीथीन से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके का केक ले लिए फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई और केक भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। मार्केट में बहुत ऐसे केक अवेलेबल है, आप वहाँ पर कोई भी केक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर सारे केक को पॉलीथीन के अंदर से निकाल लिए फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पर एक चाकू की मदद से बीच के हिस्सों को काट लेंगे और 2 भाग में तकसीम कर देंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हमें सारे केक को कट लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे केक को कट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हम यहाँ पे खजूरें ले लिए हैं 10 से 12, और सारे खजूर के बीज को निकाल लिए फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे मिक्सर के बॉयल में डाल देंगे, और इसी के साथ अब हम यहाँ पर कुछ अमूल क्रीम डाल देंगे। तो ये भी मार्केट में बहुत ही ईजी से मिल जाता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप अमूल मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, या इसकी जगह दूध की जो छाली होती है फ्रेंड्स वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पे 5 से 6 टीस्पून के लगभग अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर दिए हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे 2 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी डाल देंगे, और इसी के साथ अब हम यहाँ पर ढक्कन से कवर करके और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं, और इसकी थिक ऐसी ही चाहिए फ्रेंड्स। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है और नहीं ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। गाढ़ा थोड़ी देर के लिए हो जाए तो चल जाता है, लेकिन पतला नहीं करना है। और इसी को हम एक बॉल में निकाल दिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमने यहाँ पर 3 आम ले लिए, जिसको हमने छिलके उतार करके कट कर लिए हैं। और इस पॉइंट पर हम मिक्सर के बॉल में सारे मैंगो को ऐड कर देंगे, और इसी के साथ अब हम यहाँ पे 1/2 कप दूध मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम है तो वो ऐड कर दीजिए, नहीं है तो ये दूध डाल दीजिए। और साथ ही में हम यहाँ पे 2 टीस्पून चीनी ऐड कर रहे हैं, और अब हम इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मैंगो को भी अच्छे से पीस लिए हैं, देखिए। बस हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ देख लेंगे। तो एक हम कोई भी बर्तन आप जिसमें सेट करना चाहें वो ले लीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेयर लगाएंगे केक का, जो केक कट करके रखे थे नीचे की साइड, हम सबसे पहले केक डाल दें। और अब हम यहाँ पे जो खजूर का पेस्ट बनाए थे वो ऐड करेंगे, इस तरीके से पूरे में फैला करके ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पे सबको अच्छे से सेट कर लेंगे, इस तरीके से बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे ये सेट हो जाए, इसी के साथ अब हम दूसरा लेयर लगाएंगे। फिर से हम यहाँ पे केक ऐड कर रहे हैं पूरे में, देखिए इस तरीके से तह लगा लेनी है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, शेयर करना ना भूलें। फिर हम यहाँ पे दूसरे लेयर लगाने के लिए मैंगो जो ग्राइंड करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। फिर इसको भी हम पूरे में अच्छे से फैला लेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है फ्रेंड्स, झटपट में बन जाता है। तो मैंने बोली थी ना फ्रेंड्स कि यहाँ पे नहीं ओवन की ज़रूरत है, नहीं माइक्रोवेव का, नहीं कोई चीज़ का टेंशन, और झटपट में बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो हमने यहाँ पे सबको अच्छे से मिला लिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम ऊपर से ऐड किए हैं। अब कोई भी पॉलीथीन का इस तरीके से बना करके उसमें थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए, और एक लकड़ी के मदद से इसको डिज़ाइने बना लीजिए। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइने बना लिए हैं। तो इसको हम फ्रीज़र में डाल देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटा हो गया मेरा फ्रेंड्स, 2 घंटे के बाद हमारे जो केक है बहुत ही मज़े के सेट हो गए हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं देखने में। और थोड़ा सा हम यहाँ पे कट करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे केक कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के बने हैं, बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में। हमारे यहाँ जब भी मेहमान आते हैं फ्रेंड्स, तो इस तरीके की रेसिपी मैं उनको ज़रूर खिलाती हूँ, और मेरी तो बहुत ही बहुत तारीफ़ होती है, इतने मज़े के बनते हैं। तो आप भी इस तरीके की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और अपने मेहमान लोगों को ज़रूर बनाकर खिलाएं। बहुत ही आपके
तारीफ होगी, बहुत ही मज़े के बनेंगे। इतने मज़े के बनते फ्रेंड्स कि मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ तो कम है। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ फ्रेंड्स। और इस तरीके की रेसिपी और बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप के फ्रेंड्स हमारी ये मैंगो डिसर्ट्स की रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।